तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 47 यात्रियों को लेकर एक सरकारी बस चेन्नई से चिदंबरम के लिए जा रही थी। तेज गति से जा रही यह बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें बस में सवार 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 15 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती किया गया है। वाराणसी के नमो घाट पर एक कॉलेज छात्रा की दबंगई का वीडियो सामने आया। घाट पर सजावट का काम देख रहे लोगों ने बताया कि निर्माण कार्य के कारण आम लोगों के प्रवेश पर मनाही थी। उसी दौरान कुछ लोगों के साथ एक युवती घाट के मेन गेट पर आई और अंदर जाने की जिद करने लगी। गेट पर तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने मना किया तो वे बात करने लगी और बात इतनी बढ़ गई कि छात्रा ने महिला सुरक्षाकर्मी पर हाथ छोड़ दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी प्रकार दोनों को अलग किया। मध्य प्रदेश में पुलिस के फ्लैग मार्च में बुलडोजर को भी शामिल किया जा रहा है। मुरैना में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के वोट डाले जा रहे हैं, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में बुलडोजर भी था। सभी पुलिस अधिकारियों ने बुलडोजरों के साथ कैलारस, पहाड़गढ़, सबलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस की दर्जनों गाड़ियों के साथ बुलडोजर भी मार्च में शामिल दिखा। केरल के तटीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों में हाहाकार मच गया है। लगातार समुद्री कटाव के कारण समंदर का पानी तेज बहाव के साथ कोच्चि के तटीय गांव में प्रवेश कर गया। इसके कारण वहां अफरातफरी मच गई। आपदा प्रबंधन की टीम ने कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्र के अधिकांश जिलों में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अररिया में एक पिता तलवार लेकर अपने बेटे के स्कूल पहुंच गया। उसके इस बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म और किताब की राशि नहीं मिली थी। स्कूल पहुंचकर उसने पहले राशि नहीं मिलने का की वजह पूछी, फिर हेडमास्टर के साथ जमकर गाली गलौज की। इसके बाद उसने तलवार निकालकर शिक्षकों को मारने की भी कोशिश की। तलवार लेकर पिता के पहुंचने से बच्चे और स्कूल के स्टाफ दोनों डर गए। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। असम में बाढ़ का पानी उतरने के बाद तबाही का भयावह नजारा दिख रहा है। प्रदेश के नजाली जिले में भीषण बाढ़ आई थी। अब पानी उतरने के बाद जब लोग अपने घरों को पहुंचे तो उनका दिल दहल गया। कच्चे घरों का तो अब अता पता भी नहीं रहा। पक्के घर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घरों में मलबा भरा हुआ है। गांव की सड़कें बह चुकी थीं। लोगों का कहना है कि उन्हें सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश से कच्छ में बुरा हाल है। सड़कों पर सैलाब है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। कई बाइक, स्कूटी और साइकिल पानी में बह गईं। भारी बारिश से कच्छ के मांडवी और मास्का इलाके में ट्रैक्टर के साथ कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। मौसम विभाग ने दक्षिण और मध्य गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। केरल में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। केरल के कन्नूर में बारिश की वजह से कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। केरल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका है। इसलिए तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर सभी जिलों में आज और कल येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बारे में CM कार्यालय की ओर से भी मैसेज जारी किया गया और अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई। केरल के कासरगोड में भारी बारिश से नदियों में जबरदस्त उफान आ गया है। यहाँ की नीलेश्वरम नदी का पानी शहर और गाँव की ओर बह रहा है। पानी के तेज बहाव का अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। सड़कें डूब गई हैं, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कभी भी गांव डूब सकते हैं। इसके लिए पहले से ही नावों की व्यवस्था कर ली गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कुछ दिनों पहले हुई महिला की हत्या के मामले में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और लोग बैरिकेड तोड़ने लगे। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिसकर्मियों और थाने पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों समेत अन्य कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल में किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तमिलनाडु पुलिस ने शिवगंगा में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में ब्रांड की बोतलों में नकली शराब पैक करके बाजार में बेच दी जाती थी। पुलिस ने बड़े शराब ब्रांड्स के नाम के नकली स्टिकर वाले 2000 से ज्यादा खाली शराब की बोतलें बरामद की। साथ ही शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को भी जब्त किया। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहाली के पास नया गांव में एक बरसाती नदी में कार बह गई। टाडा गांव के पास राव नदी में यह बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला का शव बरामद हो गया है, जबकि ड्राइवर का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि दफ्तर से लौट रही एक महिला ने कैब बुक की थी। रात में तेज बहाव में कार फंस गई और डूब गई। बाद में गाड़ी को बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि इलाके में तेज बारिश के कारण कई छोटी छोटी नदियों में उफान के कारण सड़कें डूबी हुई हैं। ओडिशा में BJP के विधायक अंगद कन्हार ने 58 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की है। विधायक ने 72% अंक हासिल किए। नतीजा आते ही कन्हार के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि पारिवारिक समस्याओं के कारण 1978 में वो 10वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने कहा कि पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती और आगे भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। असम के विश्वनाथ में गैंडे के अवैध शिकार के मामले में एक फरार शख्स
को गिरफ्तार किया गया। ये साल 2018 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे के अवैध शिकार की घटना में शामिल था। आरोपी की पहचान रसीदुल हक उर्फ मीरू के रूप में हुई है। घटना के बाद वो केरल भाग गया था और 4 साल के बाद फिर असम आया था। इलाके के 2 स्थानीय लड़के उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ रह रहे थे। वन विभाग ने रसीदुल के गैंग के कई अन्य भगोड़े शिकारियों को पकड़ने का अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड पुलिस ने 4 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 बाघों की खाल बरामद हुई है। सभी आरोपियों को हरिद्वार जिले के लक्सर से गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक कुख्यात तोताराम भी है। बाघ के 2 खाल मिलने से साफ है कि इन लोगों ने 2 बाघों की हत्या की। तोताराम पहले भी शिकार और तस्करी में शामिल रहा है। कुछ महीने पहले ही वो जमानत पर जेल से छूट कर आया था। यूपी के देवरिया में ट्यूशन पढ़ने गए 6 साल के मासूम की लाश मिलने से सनसनी मच गई। हरखौली गांव के रहने वाले गोरख यादव का बेटा संस्कार यादव गांव के ही नरसिंह विश्वकर्मा के घर ट्यूशन पढ़ने जाता था। घटना के दिन भी वो ट्यूशन पढ़ने गया लेकिन वापस नहीं लौटा। घर वालों को एक लेटर मिला जिसमें बच्चे को छोड़ने के बदले 5 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। बाद में पुलिस ने ट्यूशन टीचर के घर से ही बच्चे का शव बरामद किया। ट्यूशन टीचर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा से पीएफआई सदस्य अब्दुल सलाम को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल के फोन से पुलिस को 10 से ज्यादा पाकिस्तानी कोड के नंबर मिले हैं। अब्दुल पीएफआई का पूर्व जिला अध्यक्ष है और अब उसके मोबाइल की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब्दुल ने 2 दिन पहले नाकेबंदी के दौरान पुलिस से बहस की थी। अधिकारियों के कई बार समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और अब उसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। गुरुग्राम से सोहना तक का सफर अब बहुत आसान हो जाएगा। 22 किलोमीटर लंबे सोहना एलिवेटेड रोड का उद्घाटन अगले हफ्ते होने जा रहा है। इसे 4 साल में मनाया गया है। सोहना एलिवेटेड रोड से 60 मिनट की यात्रा 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। एलिवेटेड रोड के शुरू होते ही दोनों ओर की सोसाइटीज में रहने वाले लाखों लोग भी अब बिना ट्रैफिक जाम में फंसे अपने घर जल्दी पहुंच सकेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक का शाही अंदाज देखने को मिला। स्कूल की लाइट चली गई तो टीचर ने 3 बच्चों को बुलाया, उनसे पंखा झलवाया। वीडियो में दिख रहा है कि क्लासरूम में बच्चे हैं, सहायक अध्यापक बच्चों की कॉपी जांच रहे हैं। मास्टर जी के पास 5 बच्चे खड़े हैं, इनमें से 3 बच्चे उनको पंखा कर रहे हैं। इस मामले पर बीएसए ने कहा कि वीडियो संज्ञान में आया है, जांच कराई जा रही है। पालघर में शिंदे ग्रुप के शिवसेना विधायक श्रीनिवास वनगा ने नेतागिरी के बावजूद किसानी के काम को नहीं छोड़ा है। मुंबई से पालघर पहुंचने के बाद वो सीधे अपनी खेती के काम में लग गए। अपने पूरे परिवार के साथ श्रीनिवास वनगा बारिश के बीच खेत में उतरे, धान की रोपाई में जुट गए। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे की कणकवली से तस्वीर सामने आई। तस्वीर में वो हल और ट्रैक्टर चलाते नजर आए।